हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं हूँ राकेश और आप देखें राकेश कुशवाहा टेक। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि क्रोम में डार्क मोड एनेबल कैसे करें या क्रोम को डार्क मोड में कैसे चलाएं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए नए वीडियो आने से आप सभी को पता चले। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, क्रोम एप्लीकेशन को ओपन करना है। दोस्तों, क्रोम एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह से आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। दोस्तों, आपको क्या करना है, सबसे ऊपर में साइड में आपको दिखाई दे रहा है 3 डॉट, सिंपल से आपको इस पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, क्लिक करने के बाद आपको देखिए नीचे में आपको सेटिंग दिखाई दे रहा है, सिंपल से आपको इस पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों, आपको क्या करना है, सिंपल से आपको नीचे की तरफ आपको स्क्रॉल करना है। दोस्तों नीचे की तरफ स्क्रॉल करने के बाद आपको दिखाई दे रहा है नोटिफिकेशन के ठीक नीचे में आपको थीम दिखाई दे रहा है, सिंपल से आपको इस पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, क्लिक करने के बाद आपको देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है सिस्टम डिफॉल्ट में आपका सिलेक्ट हुआ है ऑप्शन। अगर आप डार्क मोड एनेबल करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, दोस्तों सबसे नीचे में आपको डार्क दिखाई दे रहा है, सिंपल से आपको इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। दोस्तों, क्लिक करने के बाद देखिए आपका इंटरफेस जो बैकग्राउंड है क्रोम का, देखिए डार्क मोड हो चुका है। दोस्तों, अब हम बैक जाएंगे, देखिए बैक जाने के बाद आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों डार्क मोड एनेबल हो चुका है। दोस्तों, ऐसे ही आप अपने क्रोम में डार्क मोड एनेबल कर सकते हैं बिना कोई झंझट के। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।